हरियाणा में एक बार फिर से मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। सीएम खट्टर तो पीएम से लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिल भी चुके हैं। अब प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की दिल्ली यात्रा ने सियासत को और गर्म कर दिया है। 2019 हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए अनुमानों से उलट रहे। पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो हरियाणा जननायक जनता पार्टी के साथ बीजेपी ने सरकार बना ली। बीजेपी को समर्थन देने के एवज में सरकार में जेजेपी को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली। मुख्यमंत्री की कुर्सी मनोहर लाल खट्टर के पास ही रही और अब मंत्रिमंडल में विस्तार के संकेत मिलने लगे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सरकार में एक और कैबिनेट मंत्री की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मांग बीजेपी हाईकमान तक पहुंचा दी है। दरअसल पिछले चार दिनों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। उसके बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की दिल्ली यात्रा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात ने मंत्रिमंडल विस्तार को हवा दे दी है। बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी जेजेपी गठबंधन की ओर से बीजेपी के उम्मीदवार का लड़ना तय है। इसके बदले जेजेपी मंत्रिमंडल में अपने एक विधायक को जगह दिलवाने के लिए प्रयासरत है। चर्चाएं हैं इस बार भी निर्दलीय विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाएगी, लेकिन राज्य में खाली पड़े निगमों में उन्हें चेयरमैन बनाया जा सकता है। हरियाणा में बीजेपी बड़ौदा सीट जीतने के इरादे से अपने कोटे के नॉन परफॉर्मिंग दो मंत्रियों को हटाकर उनके स्थान पर जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के तहत नए लोगों को मंत्री बना सकती है। कुछ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल किया जा सकता है। फिलहाल मनोहर लाल के बाद दुष्यंत चौटाला की अमित शाह से मुलाकात के अलग ही मायने निकल रहे हैं। देखना होगा जेजेपी हरियाणा सरकार में अपना रसूख कितना बढ़ाती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।